अगर उड़ने की हौसला है तो कोई ऐसा नहीं जो आपके आपको रोक ले। पंख तो अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच हैं जो उड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और पंख भी उन्होंने खुद से ही विकसित कर लिया है। हमारे साथ आज हैं हरियाणा से हैं काजल, जो आज ही गुरुग्राम में हुए चैंपियनशिप में 5 किलोमीटर के रेस में सबसे फर्स्ट आई है। तो सबसे पहले काजल, आपको बहुत बहुत मुबारक और लेसन और शुभकामनाएँ, बेटी ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। दूसरा तो काजल, कैसा महसूस हो रहा है अपने कि आपने चैंपियनशिप जीता 5 किलोमीटर के इस? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं मेरे कोच सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। और उसके बाद मेरी फैमिली जो मेरे को इतना सपोर्ट करती है, और एक लड़की के लिए हमेशा डिफ़िकल्ट रहता है हर एक सिचुएशन से निकलना। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हर एक लड़की अगर कुछ करना चाहती है तो अगर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ वो ध्यान दे तो वो बहुत अच्छा कर सकती है। ऐसे भी हरियाणा में तो बहुत स्पोर्ट्स सबसे ऊपर है, देश की अगर माने तो हरियाणा स्पोर्ट्स में सबसे ऊपर है। लेकिन फिर भी एक लड़कियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनकी माँ 4 साल की उम्र में छोड़ के चली गई हो, वो इस मुकाम पे आना एक बहुत बड़ी मुश्किल होता है। तो फिर मैं काजल से पूछना चाहूँगा, काजल कैसे आपने अपने आप को विकसित किया और इस क्षेत्र में जाने की सोचा? जबकि आम लड़कियाँ होती है वो वहीं पर वहीं रुक जाती है और घरों में लग जाती है काम करने के लिए। इसके लिए सर मैं अपनी फैमिली कंडीशन को अप्लाई करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट रही है। मतलब मम्मा के जाने के बाद ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक लड़की के लिए कि सिर्फ घर के काम में ही। लेकिन मैं ऐसे करती थी कि जब मुझे पढ़ाई करनी होती थी दिन में सारा काम फिनिश करके रात को पढ़ाई करती थी। रात को 2 भी बज जाते थे तब भी मैं पढ़ाई करती थी। और इसीलिए मैंने शायद प्लस टू में मैंने कुरुक्षेत्रा में टॉप किया है, इसके लिए मैं खुद पर बहुत प्राउड फील करती हूँ। और अभी मेरा एडमिशन कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में हुआ है, उस पर भी लड़कियां हमारे वहाँ नॉर्मली लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। गांव की कंडीशन थोड़ी अभी भी विकसित नहीं हुई है पूरी तरह से। हाँ थोड़ी बहुत है, जिसकी वजह से मेरे फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, तो मैं वहीं से खेलती हूँ। मेरे आस के लोग भी मुझसे बहुत खुश हैं कि ये लड़की इतना अच्छा करती है, इसलिए वो सब भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करना। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि काजल अभी BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी हैं कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से। हाँ जी। तो काजल ये बताइए कि हमारे देखने वालों के लिए आजकल जो नए जनरेशन है वो ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया और वीडियो गेम पे गुजार रही है, तो आप उनको क्या कहना चाहिए? आप अपने समय कैसे मैनेज करती हैं और इस मुकाम को आगे बढ़ाने के लिए आगे क्या क्या करना चाहती हैं? सर मेरा एम तो IAS ऑफिसर बनना है, तो इसके लिए तो मैं पढ़ाई भी अलग से इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि पढ़ाई में भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और स्पोर्ट्स में भी। स्पोर्ट्स में ऐसा भी करती हूँ, A to Z सभी स्पोर्ट्स किए हैं मैंने। अच्छा अच्छा। तो मतलब हर एक स्पोर्ट्स में कोई ना कोई मेडल और कोई ना कोई ट्रॉफी है मेरे पास। तो इसके लिए शायद ये है, अगर किसी के पास सिचुएशन बुरी हो तो वो उससे निकल ही जाता है। जिसके पास सिचुएशन अगर अच्छी हो तो वही बात है ना, फ़ोन और वीडियो गेम। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि इस टाइम में भी मैंने फ़ोन को हाथ प्लस टू पास करने के बाद लगाया है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे प्लस टू पास करने के बाद फ़ोन सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि मैं बहुत दूर जाती हूँ तो वहाँ फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उन्होंने बहुत हेल्प की है। फ़ोन और इनसे दूर रहना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारी बॉडी पे और हम पे बहुत इफेक्ट डालता है। हाँ, क्योंकि मैं जब पूछना चाह रहा था कि अगर आजकल के युवा है वो अधिकतर ज़्यादा ज़्यादा फ़ोन पे अपना समय वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, इतना ज़रूरत नहीं है। तो आप उनके लिए कुछ संदेश दीजिए कि अगर आप फ़ोन का यूज़ करते हैं आपके जैसे नहीं बन पाएंगे। अगर आपको फ़ोन का यूज़ करना भी है तो सही डायरेक्शन में कीजिए, जो आपका एम आपने डिसाइड किया है उसकी कुछ एक वीडियो देखिए। इंटरनेट हमारे लिए गलत नहीं है, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। मैं हमेशा प्लस टू की मैंने तैयारी बहुत ज़्यादा, जैसे पापा का फ़ोन लिया तो हमेशा न्यूज़पेपर, ये मतलब किताबों से जुड़ा रहना, लेकिन फ़ोन से जुड़ा रहना मैंने पॉजिटिव वे से लिया है, क्योंकि पॉजिटिव वे से अगर हम पॉजिटिव चीज़ों की तरह फ़ोन का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। तो उनको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो करते रहिए फ़ोन का, लेकिन जितना हो सके कम से कम फ़ोन का यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे आपकी बॉडी पे और अपने हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। काजल बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से, और सबसे ज़्यादा शुभकामना आपके कुएं से आलोक जी कैसे आप मैंने ऐसे ऐसे खिलाड़ी तैयार करते हो। बराबर ही मुझे देखने को मिलता है कि कोई ना कोई आपके खिलाड़ी जो है मेडल लेकर वो भी फर्स्ट प्रथम स्तर पे खड़े अखबारों में या टीवी में मिल जाते हैं।
कैसे आप करते हैं थे? सर सबसे बड़ी बात मालूम क्या है, मैं एक कोच बाद में हूँ, सबसे बड़ा एक स्टूडेंट हूँ, और मैं सबसे पहले जाजी का अपना धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे बीच आते हैं और खासकर हमारे बच्चों के लिए स्पेशली आते हैं और हमें एक जागरूकता करते हैं कि आगे करते रहो, मैं आपके साथ हूँ। और फिर हमारे स्टूडेंट क्या, मैं इवनिंग मेरी प्रैक्टिस होती है, मॉर्निंग मेरी प्रैक्टिस होती है और मैं ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे स्टूडेंट काजल है, हरियाणा से आई हुई है, ऐसे ऑनलाइन खुद की ट्रेनिंग देता हूँ कि हाँ आप प्रैक्टिस करो, मैं वर्क दे रहा हूँ, गेम मैं खिलाऊँगा। अभी गुरुग्राम में इसने गोल्ड मारा है अपनी एज कैटेगरी में, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे बच्चे और आपकी, मैं सीधे आपसे हट के मैं इस भारत देश की तरफ जा रहा हूँ कि इस देश में खिलाड़ियों को विकसित करने के लिए या नव युवाओं के लिए आप ज़्यादा अनुभव रखते हैं कि अगर काजल ने बताया कि मोबाइल को कैसे यूज करना है नहीं करना है, आप इनसे ज़्यादा क्योंकि आप गुरु हैं, आप क्या उन युवाओं को बताना चाहेंगे जो नशे में पड़े हैं, मोबाइल की नशे लगे हैं, उनको मोबाइल एक नशा है उनकी, जो सोशल मीडिया पर फालतू के पोस्टें डालते हैं और भड़काऊ काम करते हैं, तो उनसे निकलने के लिए युवाओं को क्या बताना चाहिए? युवाओं से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो भी है कोई स्पोर्ट्स पकड़ लो, अपना एक अच्छा स्पोर्ट्स पकड़ो, उस रिलेटिव में आप चले जाओगे ना तो आपका नशा अपने आप छूट जाएगा ऑटोमेटिक। कोई भी हो, आपने नशा छोड़ना है, स्पोर्ट्स का नशा होना चाहिए, स्पोर्ट्स का नशा होना चाहिए। आपका नशा स्पोर्ट्स से होगा तो आप कोई टेंशन ही नहीं है, आपको शाम में पता ही प्रैक्टिस करनी है, सुबह पता प्रैक्टिस करनी है, तो आपका नशा किस करेगा, स्पोर्ट्स का। आपका दारू का नशा ही नहीं मिलेगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा तो आप सिगरेट नहीं पियोगे, आपका टाइम नहीं मिलेगा तो आप शराब नहीं पियोगे। सबसे बड़ी बात मान के आज का टाइम ये कि बच्चा पढ़ता है स्कूल से घर, स्कूल से घर, तो बच्चा बोर हो जाता है। बच्चों को एक ग्रुप में डालो, एक चार लोगों के बीच में बैठता है उठता है, उसे लगता है कि हाँ एक अच्छा मैं कर रहा हूँ और अच्छा लग भी रहा है। क्योंकि आजकल की फैमिली मालूम क्या सोचती है कि बच्चा पढ़ने से ही IAS IPS बन जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आज मैं अपनी बताता हूँ, मैं अभी 23 राजपूत में अपना देख के आया हूँ ट्रायल क्रॉस कंट्री का, और मैंने टाइमिंग क्रॉस कंट्री को वहाँ पर निकाल दी और मेरे को सिलेक्ट कर लिया गया। और अभी भी मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं ये नहीं अपनी वर्कआउट छोड़ दूँ, या मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मतलब दो चार मैं छोड़ दूँ कि हम आज नहीं कल करेंगे, आज वर्कआउट नहीं करेंगे कल कर ले, मैं तो कोच बन के मैं छोड़ दूँ अपना इंटरेस्ट छोड़ दूँ इसमें, लेकिन नहीं, मेरे को पता है मैंने इंटरेस्ट छोड़ दिया तो मैं नशा में ऑटोमेटिक चला जाएगा। क्योंकि मेरा दिमाग जब ख़राब होगा तो इंसान क्या दिखाई देता है, शराब और दालू और कुछ नहीं। आलोक चौहान के आने वाले भविष्य में लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना? आने वाले टाइम में मेरा लक्ष्य यही है कि हमारे खुद के स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडलिस्ट हों, और खुद मैं जहाँ तक ऊपर वाले द्वार ही तो मैं जल्दी में ही अपनी तरफ से सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट को ओपन इंटरनेशनल मेडलिस्ट खुद बनाना चाहूँगा कि हम कहीं खड़े हों तो मेरा स्टूडेंट मेरे से कहे कि हाँ मेरा स्टूडेंट ओपन इंटरनेशनल मेडलिस्ट है। आलोक जी बहुत बहुत